Good morning, children. How are you all? So today, in English subject, you will take out My English Reader and take out page number 85. And last week, we did lesson number 21, Wonder. Wonder means surprise hona kisi bhi cheez ke liye. Toh ye wala paragraph humne aapko padha diya tha. Ab ye next paragraph hum karenge. And it is a small poem. Who lights the star? जो स्टार हैं तारे हैं उन वो कैसे चमकते हैं, कौन चमकाता है, व्हेन दे ब्लो आउट, और वो कब जो हैं क्या हो जाते हैं, चमकते हैं. एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश आउट, और जब आसमान में जब बिजली जो चमकती है वो कौन करता है, ऐसा उसके कौन चमकाता है. हु मेक्स द रेनबो इन द स्काई, और वो कह रही है कि कौन बनाता है स्काई में रेनबो, अपने आप आ जाता है वो, कौन बनाता है, कौन उसको फॉर्म करता है. एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, और ऐसा लगता है कि जब हम क्लाउड्स देखते हैं वो इतने ऊंचे होते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ किसने लटका दिया उनको, फ्लफी क्लाउड्स को जो इतने ऊंचे हैं, जो क्लाउड्स हैं इतने आपको दिखते हैं ना, कितने उभरे हुए होते हैं, कितने उमड़े हुए होते हैं, तो वो इतने ऊंचे कैसे होते हैं. Why is it now? Do you suppose? ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, और अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्या सोचते हो इसके लिए. That dad won't tell me, और जो कि पापा मुझे बताते नहीं हैं. If he knows, अगर उनको पता होता, उसको ऐसा है लगता है कि शायद अगर पापा को भी नहीं पता होगा, अगर उनको पता होता तो वो मेरे को ज़रूर बताते. तो it is a poem, small poem. You can read, we will read this poem because I have explained you. This poem, you can learn this poem on your own. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Jab full moon nahi hota hai aur ye aise half moon hota hai, तो वो कहाँ मिस हो जाता है, कहाँ चला जाता है. हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट. हु मेक्स द रेनबो इन द स्काई एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई. व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोज दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोस. ठीक है, तो ये आपकी पोएम है. नाउ यू विल टेक आउट पेज नंबर 94. Page number 94. This is lesson number 24. Whose is it? Whose किसके लिए use होता है बेटा? Whose होता है? Whose means? Whose pencil is this? Whose eraser is this? Whose मतलब ये किसका है? है ना? ये किसका है? अब देखो ये बताते हैं. जैसे मैम भी आपसे क्लास में पूछती है ना, हुज पेंसिल इज़ दिस, हुज नोटबुक इज़ दिस, तो मींस वो किस चीज़ के लिए पूछ रही हैं, तो उसका जो मीनिंग हिंदी में आपको बता सकते हैं वो होता है किसका. हुज इज़ इट, द बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है. माइन मींस मेरी, MINE, माइन. द बुक इज़ योर्स, ये बुक तुम्हारी है. योर्स मींस तुम्हारी. The book is yours. The doll is ours. ये doll हमारी है. Mine means मेरा, ours means हमारा, और yours means तुम्हारा, और theirs means उनका. Theirs लिखा है ना इसमें. So come to the next page, that is page number 95. अब इसमें sentences लिखे हैं और ये बच्चे बोल रहे हैं, तो आप इनसे ये क्वेश्चन भी करेंगे, आंसर भी करेंगे बेटा. ठीक है, हुज इज इट, तो ये क्वेश्चन मार्क इसके क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ये किसका है, इरेजर किसका है, बुक किसकी है, हाउस किसका है, है ना. तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या बोलते हैं इनको, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं इनके ऊपर. दिस इज माइन, दिस इज आर, द डॉल इज आर्स, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. द बुक इज़ योर्स. ठीक है, तो ये हम
कभी आप जब स्कूल ज्वाइन करेंगे दोबारा से तो हम आपको इसका एक एक्टिविटी भी करके बताएंगे, ठीक है। तो अब इसमें से देखो क्वेश्चन बना रहे हैं। अ ब्यूटीफुल हाउस, अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। हुज हाउस इज दिस, ये किसका घर है, है ना, हुज आ गया ना। आई थिंक इट इज़ देयर हाउस, वो बोल रहा है, ये बच्चा बोल रहा है मेरे ख्याल से ये इनका घर है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ये इनका हाउस है, इन बच्चों का, ठीक है। हेलो आई एम रोहित, एक्सक्यूज मी, हेलो, ये बोल रहा है बेबी, हेलो आई एम रोहित, कह रहा है मैं रोहित हूँ। दिस इज़ माई ब्रदर मोहित। अब ये देखो ये गर्ल बोल रही है, ये जो एरो होता है ना इसका मतलब ये बोल रही है। हेलो आई एम सीता, दिस इज माई सिस्टर गीता। मैं सीता हूँ और ये मेरी सिस्टर गीता है। इज दैट ब्यूटिफुल हाउस योर्स, जब क्वेश्चन मार्क आ जाता है बेटा तो क्वेश्चन के ही फॉर्म में उसको रीड भी किया जाता है। इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हम, इज़ दैट ब्यूटिफुल हाउस योर्स, इसको कैसे पढ़ेंगे, इज़ दैट ब्यूटिफुल हाउस योर्स, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या ये सुंदर घर आपका है। येस दैट हाउस इज आर्स, येस ये हमारा घर है, ये घर हमारा है। सच ए नाइस बाइसिकल, इसके लिए ये बच्चा बोल रहा है सच ए नाइस बाइसिकल, इसके लिए कितनी सुंदर साइकिल है। हुज इज इट, इट क्यों लगा है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, है ना, तो ये किसकी है, हुज इज इट, इट इज माइन, और ये बेबी बोल रहा है ये मेरी है, क्या है उसकी, साइकिल। नाउ कम टू पेज नंबर 96 एंड हियर वी विल डू द एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं बेटा और इनको देख के आपको इनको यूज करना है। शीतल एंड गीता आर प्लेइंग विद डैश डॉल, क्या आएगा बेटा इसमें, सीता शीतल एंड गीता आर प्लेइंग विद देयर डॉल, सॉरी टी एच ई आई आर, सीता और गीता डॉल से खेल रही हैं, अपनी डॉल से खेल रही हैं। वी मस्ट ओबे, ये दियर आ गया ना, वी मस्ट ओबे डैश पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, है ना। वी मस्ट ओबे आर ओ यू आर आर पेरेंट्स, दिस बुक इज डैश, आई गॉट इट ऑन माई बर्थडे, ये बुक्स डैश है, ये मुझे जो बुक है मुझे मिली थी अपने बर्थडे में। दिस बुक इज क्या आएगा, माइन, एम आई एन ई माइन, ये बुक मेरी है, माइन मीन्स मेरा। आई डू नॉट लाइक माई टिफिन, मुझे अपना टिफिन अच्छा नहीं लगता। आई वॉन्ट टू ईट डैश, मुझे अपना टिफिन अच्छा नहीं लगा, मुझे चाहिए खाने के लिए, तो क्या आएगा, आई वॉन्ट टू ईट क्या आएगा, योर्स, मैं तुम्हारा लंच खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ईट योर्स, वाई ओ यू आर एस एंड फुल स्टॉप। So, this is the use of whose. Whose में जब भी आप use करेंगे तो W H O S E को क्या बोलेंगे, whose. W H O S E, whose. Whose means किसका, whose means किसका, और जब whose का use होता है तो वो क्या आता है, उसमें question mark आता है, whose, क्योंकि question mark में ही लगाया जाता है। So, thank you so much, children.